बड़ी खबर आ रही है कि यहां पर बम मिलने की इत्तला मिली सिक्योरिटी एजेंसियों को, और बताया जाता है कि ताजमहल में बम की खबर से अफरा तफरी पूरे इलाके के अंदर, जहां पर सयाहों को इस वक्त इस इलाके से बाहर निकाला गया, ताजमहल से बाहर किया गया और ताजमहल के गेट बंद कर दिए गए हैं। जो अभी तक रिपोर्ट सामने आ रही है कि उस शख्स ने पुलिस को जिसने जानकारी दी थी उसको गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ भी की जा रही, हिरासत में हालांकि लिया गया है। ऑपरेशन इस वक्त सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से जारी है इस इलाके के अंदर। बड़ी खबर जहां पर इस वक्त ताजमहल के अंदर आसपास अफरा तफरी का आलम है और सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से कार्रवाई यहां पर की जा रही है। आपको बताते चलें कि थोड़ी देर पहले यहां पर पुलिस की तरफ से और बाकी जो सिक्योरिटी के दस्ते हैं उनकी तरफ से कार्रवाई की जा रही है, और जो इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है कि जिस शख्स ने ताजमहल के अंदर बम होने की जानकारी दी थी सिक्योरिटी एजेंसियों को, उस शख्स को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश की आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, ताजमहल में बम रखने की इत्तला मौसूल हुई कि सिक्योरिटी एजेंसियों को यहां पर जानकारी दी गई कि ताजमहल के उस हिस्से में जहां पर सयाहों का रश काफी ज्यादा रहता है, यहां पर इस वक्त बम रखा गया है, जो इत्तला सिक्योरिटी फोर्सेज को दी गई और उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई। अब जो डिटेल सामने आ रही है कि उस शख्स को हिरासत में लिया गया है जिसने पुलिस को जानकारी दी थी। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर बम स्क्वाड की टीम को ताजमहल के अहाते में पहुंचा दिया गया है। ताजमहल में बम होने की इत्तला के बाद आनन फानन ताजमहल के अहाते को खाली कराया गया है और बम मिलने की इत्तला से यहां मौजूद सयाह भी, जिनमें हंगामा मचा, अफरा तफरी का आलम है, और जराए के मुताबिक फिलहाल पूरे ताजमहल के अहाते को चेक किया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन जारी है, सभी सयाहों को बाहर निकाला जा चुका है। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई बड़ा बयान जो है वो सामने नहीं आया, लेकिन जो इब्तदाई रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि एहतियातन जहां सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं, सयाहों को बाहर निकाला गया, ताजमहल में एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स जो थे उनको अब बंद किया गया है, किसी को भी अब ताजमहल के अंदर दाखिल होने की फिलहाल इजाजत नहीं होगी जब तक सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल जाता। और बड़ी खबर जो इस वक्त मिल रही है कि यहां पर कार्रवाई की जा रही है और उस शख्स को भी हिरासत में लिया गया है जिसने पुलिस को जानकारी दी थी थोड़ी देर पहले कि बम आगरा के ताजमहल के अंदर है, और सिक्योरिटी एजेंसीज इसके बाद काफी मुतहरिक नजर आ रही हैं। जो इत्तला मौसूल हो रही है कि अफरा तफरी का आलम है, सयाहों को इस वक्त बाहर निकाला गया, अफवाहें काफी ज्यादा थी लेकिन बाद में इसकी तस्दीक भी हुई कि इस बीच अफवाह फैलाने वाले की तलाश जारी है। पुलिस की तरफ से यहां पर बताया जाता है ताजमहल के गेट पर सयाहों के लिए दोबारा गेट खोल देंगे, और इस वक्त जो ताजा तरीन जानकारी मिल रही है कि आगरा के अंदर थोड़ी देर पहले जहां पर अफवाहें काफी ज्यादा थी, पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई और ताजमहल में बम की खबर महज अफवाह थी, पुलिस का बयान अब इस पर आ गया है, तस्दीक कर दी गई है कोई बम यहां नहीं था, अफवाह फैलाने वाले की तलाश जारी है। लेकिन बताया ये भी जा रहा है जराए के हवाले से कि उस शख्स से पूछताछ हो रही है जिसने सबसे पहले यहां जानकारी दी थी कि बम रखा गया है ताजमहल के गेट पर, जहां पर बम की खबर सामने आई थी गेट बंद कर दिए गए थे, अब दोबारा सयाहों के लिए गेट खोल दिए गए। बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, जो लेटेस्ट अपडेट सामने आ रहा है आगरा के अंदर, दोबारा जो एंट्री अभी तक बंद की गई थी कुछ वक्त के लिए, एहतियातन यहां पर इकदाम किए गए थे, सिक्योरिटी सख्त थी, लेकिन फिलहाल दोबारा इस हिस्से को जहां पर बंद किया गया था खोल दिया गया है सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से, जिसने अफवाह फैलाई उसकी तलाश जारी है, और पुलिस की तरफ से वजाहत कर दी गई इसकी, ताजमहल के गेट सयाहों के लिए दोबारा खोल दिए गए हैं, बम नहीं था यह तस्दीक कर दी गई है पुलिस की तरफ से।